नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं स्टार 7 टीवी न्यूज। मिनी टैंकर से अवैध तरीके से 3,222 लीटर डीजल ले जाते समय पुलिस ने धर दबोचा। स्थानीय थाना क्षेत्र जो झारखंड बॉर्डर पर स्थित है, वर्तमान समय में झारखंड में डीजल का दाम उत्तर प्रदेश से महंगा लगभग 5 रुपए का अंतर होने के कारण डीजल की कालाबाजारी करने वाले का मिनी टैंकर जिसमें लगभग 3,222 लीटर डीजल झारखंड राज्य ले जाते समय थाने के समीप कौन तिराहे पर पुलिस ने धर दबोचा तथा धारा 3/7 ईसी एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत करके समुचित कार्यवाही की गई। थाना प्रभारी निरीक्षक मनोज ठाकुर ने बताया कि इलाके में पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देश के अनुसार अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत विडमगंज पुलिस पूरे शक्ति के साथ बॉर्डर क्षेत्र के इलाके में सघन कॉम्बिंग, वाहन चेकिंग व पैनी नजर बनाए हुए है। समय कौन तिराहे के पास से पकड़ लिया गया, जिसकी सूचना जिला पूर्ति अधिकारी को की गई। उक्त अधिकारियों के द्वारा जांच के क्रम में क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी खाद्य क्षेत्र द्वितीय तृतीय सोनभद्र द्वारा जिला अधिकारी के अनुमति के पश्चात आज उक्त धारा के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया तथा टैंकर चालक सुजीत राम पुत्र राम प्रसाद राम निवासी ग्राम हेहगढ़ पोस्ट चुगरू जनपद लौतेहर झारखंड व टाइटन माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड के आईसी भास्कर भूषण मिश्राल पोस्ट तपेद चतरा झारखंड व विडमगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत मैसर से राम फिलिंग स्टेशन कॉलेजुबा के प्रोपराइटर श्रीमती कल्पना वर्मा के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर उक्त मिनी टैंकर को सीज किया गया। स्टार 7 टीवी न्यूज की कवरेज, जितेंद्र प्रसाद की रिपोर्ट। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए स्टार 7 टीवी न्यूज।